तो यह है कुमाऊं का द्वार काठोदाम रेलवे स्टेशन, जहाँ से आप लोग सफर कर सकते हैं कुमाऊं का उत्तराखंड का। तो आप देख रहे हैं इस मंदिर में पूरी घंटियाँ घंटियाँ हैं, घंटियों के साथ कुछ एप्लीकेशन लगी हुई हैं। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा घोड़ाखाल मंदिर के बाद था श्री बाबा का नीम करौली का आश्रम कैची धाम। तो उत्तराखंड पहुँचते ही बारिश ने किया है हम लोगों का स्वागत, मतलब बारिश हमारा स्वागत कर रही है उत्तराखंड पहुँचते ही। ये हमारे हालात है, बारिश का मौसम देखो जरा, मतलब अभी हमें हल्द्वानी में कल रात आके रुके थे, वो आज अब लोग आपने पुराना देखा होगा लखनऊ से हल्द्वानी आने वाला, तो लोगों का कुछ खास था नहीं, लेकिन आज लोगों का काफ़ी मजा आने वाला है क्योंकि हम लोग जाएंगे काठोदाम से द्वाराहाट। अभी मतलब हल्द्वानी में है, हल्द्वानी और काठोदाम के बीच में, तो काठोदाम मेन डेस्टिनेशन रहता है, कोई भी आता है तो बाई ट्रेन तो उसको काठोदाम ही आना पड़ता है। तो काठोदाम से हम लोग जाएंगे आज डायरेक्ट द्वाराहाट, लेकिन आपको हम लोग लेके जा रहे हैं बिल्कुल घुमा के आज, और आपको दिखाएंगे पूरा डेस्टिनेशन और पहाड़। मेरे को सब लोग बोलते हैं पहाड़ अब आएंगे तब आएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊँ गर्मी में बहुत सारे लोग आते हैं पहाड़ घूमने के लिए, और विंटर्स में बहुत आते हैं, विंटर्स में लोग बर्फ़ देखने के लिए आते हैं, लेकिन जो पहाड़ की खूबसूरती है ना भाई साहब, वो है सामने के लिए। अगर आपको अगर पहाड़ की रियल खूबसूरती देखनी है और अगर आपको सावन का अंधा बनना है, मतलब सावन का अगर अंधा बनना है, तो आपके लिए पहाड़ बहुत अच्छा है। और उत्तराखंड का कुमाऊं रीजन इतना खूबसूरत लगता है, और उड़ते हुए बादल बिल्कुल सामने सामने, मतलब ये वाला आज पूरा मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। और हम लोग कहाँ कहाँ घूमने वाले, हरिका नहीं पता है नहीं यार का। हम लोग मोस्टली जितने इस रास्ते पे कुछ टूरिस्ट प्लेस मिलेंगे वो सारे हम लोग विजिट करेंगे और आपको बताएंगे कहाँ कहाँ हम घूमेंगे। तो ब्लॉग पूरा देखिएगा तो आपको सब पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमेंगे। और देखिए ये जो है ना, तो आप एक दिन में रिटर्न भी आ सकते हो, मतलब मैं आपका ऐसा बना रहा हूँ इसको घूमने वाला जो ब्लॉग है, कि आप यहाँ से ऐसे आप काठोदाम में सुबह ट्रेन से उतरे और आप वापस घूम के शाम को भी ट्रेन दोबारा पकड़ सकते हो, तो आपके कौन कौन से डेस्टिनेशन कवर हो जाएंगे वो आपको आज दिखूँगा। तो यह है कुमाऊं का द्वार काठोदाम रेलवे स्टेशन, जहाँ से आप लोग सफ़र कर सकते हैं कुमाऊं का उत्तराखंड का। यहाँ तक आप बाई ट्रेन आएंगे, यहाँ बहुत सारी बाहर टैक्सी लगती है, और इसी हाईवे पे इसी गेट पे आपको बाहर निकल के यहाँ पे बस मिल जाएगी। तो यहाँ से शुरुआत होती है उत्तराखंड के सफ़र की। हो गया एसी बंद, मैं पहाड़ को आए तो एसी पूरा बंद हो गया। आपको सुबह मौसम बिल्कुल चारों ओर बादल ही बादल हैं और बारिश हो रही है झमाझम। और हमारे साथ देखो कौन आ गया पीछे, ये अजीत उपाध्याय, ये हमारे साथ काठोदाम से भाई साहब बैठ गए थे। ये हमारे साथ आपने देखा होगा कौन से वाले ब्लॉग में, केदारनाथ वाले ब्लॉग, तब नहीं रूपकुंड वाले में ब्लॉग बनाया हुआ है। तो ये केदारनाथ वाले में अपनी धम पत्नी के साथ हमारे साथ आए थे, तो आज ये हमारे साथ जा रहे हैं पहाड़ की ओर को। कल मैंने इनको बोला कि मैं जा रहा हूँ पहाड़ चलना है, तो इन्होंने कहा बोला ठीक है चल रहे हैं पहाड़ की ओर। तो आज संडे है, इनकी छुट्टी भी है, तो ये भी थोड़ा उन्होंने गाँव में नंदिनों को देखाएंगे है ना। तो अभी देखिए सामने का मौसम, हम लोगों ने लिया है भीमताल वाला रास्ता। तो जब भी काठोदाम से आप आगे आओगे ना, तो काठोदाम से आगे आने के बाद आपको एक रास्ता नैनीताल का मिलेगा, एक भीमताल का मिलेगा। तो अगर आपको मेरे हिसाब से घूमना है तो आप भीमताल वाला रास्ता ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ना, ये नज़ारा होता है सावन का, जो सावन में जो मैं आपको बोल रहा था कि इतना खूबसूरत नज़ारा होता है। अभी हम लोग हैं भीमताल काठोदाम रोड पे, और वो सामने वाला जो आपको दिखाई दे रहा पहाड़, तो देखिए ये वाटरफॉल हैं सारे, देख रहे हो आप, देख रहे हो ना वाटरफॉल कितने प्यारे लगते हैं। तो ये जो वाटरफॉल निकलते हैं इन मानसून के टाइम पे, तो ये काफ़ी खूबसूरत कर देते हैं मौसम को। तो बारिश के मौसम में भीगते हुए कैसा लग रहा है? अभी भीगे लेकिन तो जैसे कम हो गई ना। बताओ ये कौन सा डेस्टिनेशन है जहाँ तू घूमने आई हो अभी? सात ताल नहीं भीमताल तो ये भीमताल है, देखो ये गाइड ही तुम्हारा बेकार है। तो ये बीच में एक्वेरियम है सामने, आप वहाँ से बोट लेके एक्वेरियम तक जा सकते हैं और वहाँ जाके मछलियाँ देख सकते हैं। तो ये ताल जो है सबसे पहला पड़ता है, और ये काठोदाम से 16 किलोमीटर है और काफ़ी बड़ा है। आप देख सकते हो ये वाला कोने से लेके उस वाले कोने तक इसकी लंबाई है काफ़ी, और काफ़ी गहरा भी है। लोग यहाँ पर स्विमिंग भी करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी बतख भी आती हैं, और हाँ
तो इसके बिल्कुल जस्ट ऊपर आप वो जो पहाड़ देख रहे हो भांडे गांव, वहाँ पैराग्लाइडिंग होती है, और उसके ठीक थोड़ा पीछे आपको मिल जाएगा ये नवगिरा ताल, नाइन कॉर्नर लेक वाली जो आपकी झील है, और साथ में आप देख सकते हो बहुत सारे होम स्टे और होटल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं बिल्कुल। तो जैसे ही आप भवाली भीमताल रोड पर आते हैं तो यहाँ पर आपको एक रास्ता मिलेगा सात ताल के लिए, सात ताल लिखा हुआ है, इसी में ही आपकी गाफिगरा हिल यूनिवर्सिटी भी है। तो हम इस रास्ते में निकल रहे हैं सात ताल की ओर, मतलब हमारा जो पहला डेस्टिनेशन था वो था भीमताल, सेकंड नंबर पे हम लोग, मैं आपको दिखा रहा हूँ सात ताल, ये रास्ता है हम लोग जो बिता रहे हैं काठगोदाम से लेके रानी के द्वारा रास्ता, जो जो आप मतलब सुबह से लेकर शाम तक एक्सप्लोर करके रानी के जा सकते हो। देखो मैंने आपको बोला था हम लोग 8 बजे निकले थे, अभी 9:30 बजे हैं, तो उसमें अगर हम लोग आधा घंटा और स्पेयर कर लेते तो हम लोग नवगिरा ताल पहुँच जाते, तो वहाँ पे भी हम लोग मतलब थोड़ा इन्जॉय कर सकते थे। तो हमने नवगिरा ताल स्किप कर दिया, लेकिन वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं सात ताल। तो देखिए हम आए थे पहले भीमताल, भीमताल के बाद हम लोग आए हैं सात ताल। तो ये आपने देखा, आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं, पैडल वाली बोट लो और आराम से, छोटी सी लेक है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा टब भी नहीं है, तो इसमें अपनी बोटिंग आप कर सकते हैं। साथ में अगर आपको कैकिंग करनी है तो आप यहाँ पर कैकिंग भी कर सकते हो, इधर कैकिंग पुल से इधर है बोटिंग और इधर कैकिंग, और अगर आपको करनी है जिप लाइन तो जिप लाइन में ये लोग क्या करते हैं जिप लाइन से नीचे डुबा देते हैं पानी में से धरा करके, इसमें आपको भेजेंगे वहाँ से आर पार, बीच पानी में आपको डुबा देंगे। तो ये है सात ताल। तो आप देखिए ऐसे ये जिप लाइन होगी, आपको वहाँ तक पहुँचाया जाएगा पूरे पानी में। तो यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ के उस पर आप कैकिंग कर सकते हैं और ये जिप लाइन, अब इनको हमें पानी में डुबोया भी जाएगा इसमें, आप इनको वापस खींचे, ये देखो आप पानी में डूबने की बारी आ गई इनकी, ये अगर आप देखोगे तो ये, तो इसके आपको 100 से लेके सीजन के हिसाब से आपको अलग अलग पैसे देने पड़ सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट में है हमारे पास पहाड़ी स्पेशल आलू, फिलहाल हम रायता नहीं खाएंगे, सब खाएंगे आलू बस। तो ये देखो आप नज़ारा, यहाँ से जो डेस्टिनेशन हमारी थी वो सात ताल के बाद नेक्स्ट भवाली हम लोग आए थे। भवाली के बाद हम लोग आए हैं बहुत फेमस टेंपल है जहाँ आपका सारा न्याय होता है, उस टेंपल में आपको लेके जा रहा हूँ अभी फिलहाल। तो पहले यहाँ से वैली का आप देख लो, सामने भीमताल दिखाई दे रहा है, नीचे साइड में बहुत सारे कॉटेज आपको दिखाई देंगे, और ये सब लोग बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, और मैं आपको बोला था कि सावन के टाइम में पहाड़ होता है काफ़ी खूबसूरत। तो देखिए वही नज़ारा पूरा बादलों का और पहाड़ का, क्या खूबसूरत है। तो आप देख रहे हैं इस मंदिर में पूरी घंटियां घंटियां हैं, घंटियों के साथ कुछ एप्लीकेशन लगी हुई है। एक्चुअली आजकल क्या लोगों ने ट्रेंड चला दिया है कि वो इस मंदिर में आ रहे हैं और एक एप्लीकेशन लिख के चल जा रहे हैं, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अगर आप मंदिर में आ रहे हैं, यहाँ कोई मनोकामना अगर आपको पूरी करनी है, तो अगर आपको पूरी होती है, मनोकामना मांगी है, तो आपको घंटी चलानी है। अगर आपको कहीं न्याय नहीं मिलता है, मतलब कहीं आपके यहाँ अन्याय हुआ है, तो वो आप अपनी शिकायत गोलू देवता से कर सकते हैं, वो भी स्टाम्प पेपर में ऐसे एप्लीकेशन लिख के। तो अभी क्या है कि मोस्टली पीपल आ रहे हैं वो लोग कुछ लिखना है, मतलब सोचते हैं कि लिखना है, ये फैशन है और ये लोग लिख के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब आपको कहीं अन्याय आपके साथ हुआ है
उस किले न्याय की गुहार आप इस दरबार में ला सकते हैं। इसे घंटी वाला मंदिर भी बोलते हैं भवाली का, और इसे गोलू देवता जो कुमाऊं के इष्ट देवता हैं उनका ये फेमस मंदिर है, जिनका वाहन था घोड़ा, और ये अपने न्याय के लिए फेमस थे इसलिए न्याय की गुहार यहाँ पे लोग आते हैं। तो तुमको कैसा लगा मंदिर निहारी का? अच्छा लगा ना अजीत बाबू? बढ़िया। हाँ, तो मतलब हमारा यहाँ आने का प्लान नहीं था, लेकिन भवाली में से गाड़ी पहुँची तो हमने कहा क्यों ना गाड़ी इधर को मुड़ ली जाए, थोड़ा भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा घोड़ा खाल मंदिर के बाद था श्री बाबा नीम करौली का आश्रम कैची धाम। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी भीड़ है अभी। जो है एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पार्किंग बन गई है, थोड़ा पार्किंग का रेट ओवर चार्ज है आपको 120 रुपये देना पड़ेगा। नीचे बह रही है सिपरा नदी जो बिल्कुल घोड़ा खाल मंदिर के हिस्से आती है, आप भीड़ देख सकते हैं भक्तों की। वैसे वाले भीड़ नहीं है मंदिर, आप जाओगे तो दर्शन हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पर लोग सेल्फी वेल्फी खींचना चाह रहे हैं तो सेल्फी वेल्फी का चलो। तो यहाँ से हम लोग चले गए रानीगेट की ओर को, और वो रास्ता चला गया अल्मोड़ा पिथौरागढ़ धारचूला की ओर को। अगर आपको अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जाना है, धारचूला जाना है, तो आपको जाना पड़ेगा उस रस्ते में, और यहाँ से हम खैरना से रानीगेट के लिए हम लोग गए थे रानीगेट होटल कॉन्टिनेंटल रानीगेट TRC। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, आपको यहीं से नंबर भी मिल जाएगा होटल का, यहीं से पूछ लीजिए कितने रुपये में रूम मिल रहा है। तो रानीगेट काफ़ी खूबसूरत प्लेस है, काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन है, और एक टाइप का वहाँ पर फालतू वाली भीड़ वाली वाला टूरिस्ट वहाँ पर नहीं आता है, वहाँ पर वो टूरिस्ट आता है जो घुमक्कड़ है रियल में। तो आप रानीखेत का प्लान कर सकते हैं, साथ में रानीखेत के आप दौराहाट घूम सकते हैं, क्योंकि हमको जाना है रानीखेत से भी आगे दौराहाट। तो यहाँ से नीचे बह रही है देखिए कोसी नदी पूरी, और कोसी नदी का कुछ नज़ारा ही काफ़ी खूबसूरत है। तो इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, अब मैं आधा खाना खा लिया, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। ये दाल पहाड़ी वगैरह मिक्स होती दाल, वो साथ में रहता आलू के गुटके जो है पहाड़ का मैगी की जॉब पे बहुत बड़ा एक ऑप्शन है, वो मैं फिलहाल खा रहा हूँ। निहारी का सोई भी है, अजीत इंतजार कर रहा है काहे का रायते छोले का, वो दिखाते हैं क्या रहता छोला कौन सा आ रहा है इसका। तो अजीत भाई के आगे इनको छोले और रहता दोनों ऐसे मिक्स करके पहाड़ में खाया जाता है, इसके साथ आप पकौड़ी और आलू के गुटे भी ले सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल रानीखेत में सोमनाथ ग्राउंड में चल रहे हैं, ये हमने पूरा रानीखेत क्रॉस कर लिया। एक्चुअली थोड़ा क्या है कि रानीखेत बाईपास से हम लोग आ गए थे, तो मार्केट में की ओर हम गए नहीं। तो रानीखेत में जो विजिटिंग प्लेस है वह चौबटिया गार्डन, अगर आपको आना है। ये वह ब्लॉग था मेरा काठगोदाम से रानीखेत तक, आप क्या क्या ट्रेवल कर सकते हैं। देखिए हमने सुबह 8:30 बजे यात्रा स्टार्ट की थी, और अभी दिन के 4:30 बजे हुए हैं। तो 4:30 बजे मतलब अभी 3:30 बजे हुए, यानी तो 3:30 में हमने पूरा इतने सारे डेस्टिनेशन भी हमने कवर कर लिए। और आप इतने सारे काठगोदाम डेस्टिनेशन तय करते हुए अपनी गाड़ी से अगर आप आ रहे हो, तो इतना तय किया कोई बुकिंग गाड़ी लेके आ रहे हो, तो आप इतनी दूरी तय करके आ सकते हो। और अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हो, अगर आपको बुकिंग में कोई गाड़ी चाहिए तो इतनी दूरी आप तय करके आप इतने सारे डेस्टिनेशन घूम सकते हो। और रात के टाइम पर आप रानीखेत में बिता सकते हो, रानीखेत में होटलों की कोई कमी नहीं है, तो रानीखेत मतलब काफ़ी खूबसूरत भी है। और यहाँ पर चौबटिया गार्डन आपके घूमने के लिए है, गोल्फ ग्राउंड है, अभी हम गोल्फ ग्राउंड वाली रोड पे चल रहे हैं, गोल्फ ग्राउंड हम दिखाएंगे नहीं लेकिन मैं आपको बता दूँ अलमारा रोड पे। हेड़ा खान बाबा टेंपल है, सोनी पिंसर महादेव का मंदिर है, ऊपर झूला देवी टेम्पल है, एक भालू डैम है, एक छोटा ट्रैक है वहाँ पर, और बाकी इलाके रानीखेत की लोकल जो मार्केट है यहाँ की माल रोड है, विजिट करने के लिए मतलब काफ़ी खूबसूरत है। तो आप रानीखेत में ये सब चीज़ें विजिट कर सकते हैं। एक रानी झील है जहाँ बोटिंग कर सकते हैं, बहुत छोटी सी मतलब आर्टिफिशियल जो बनाई गई है, मानव निर्मित जो झील है वो वाली झील यहाँ पर बोली है। तो बाकी यहाँ का कुछ नहीं है, बाकी यहाँ से हिमालयन व्यू बहुत सारी गाड़ी था। और जो बेस्ट सीज़न है रानीखेत घूमने का वो तो आप गर्मी में आ ही सकते हो, और जो बेस्ट होता है आपका अक्टूबर से लेके मई
मई 18 से लेकर आप जून तक समझो कि बहुत अच्छा मौसम रहता है। ठंडियों के टाइम में बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है और यहाँ से पूरा हिमालयन रेंज 180 डिग्री के ऊपर दिखाई देता है। वो देखिए पूरा रानीखेत शहर है मेरे आपके उस साइड में दिख रहा है, वो पूरा रानीखेत शहर है। तो साइड इसमें रानीखेत में दो हिस्से दिखाई देते हैं, एक साइड दिखाई देता है चिकनौला और एक साइड दिखाई देता है पूरा रानीखेत। तो दो जगह पर मतलब रानीखेत हमको दिखाई देता है। तो जो चिकनौला है वहाँ पर रानीखेत का हीरा खान मंदिर है। तो चलते हैं, हम लोग चल रहे हैं रानीखेत चौसा के द्वारहाट की ओर। तो आपको दिखाएंगे थोड़े बहुत द्वारहाट के नज़ारे यहाँ से और मैं अपना दिखाऊंगा गांव तक का पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा आपको, तो ब्लॉग का पूरा बने रहिएगा। तो देखो हमको लेने आए थे पापा, हमने गाड़ी खड़ी की वो अपने नए वाले मकान पे। निहाय का फिर से काम चोरी के तौर पर एक हाथ में डंडा पकड़ के एक हाथ में छोटा सा झोला पकड़ के जा रही है। पापा के पास एक बैग है, मेरे पास दो बैग ऐसे हैं और एक बैग है पीठ पे। पापा को एक हाथ पे कैमरा पकड़ाया गया है। ये हमारे गांव का रास्ता है, देखो यहाँ पे अभी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनने वाला है। तो यहाँ पहले पूरा ऐसे खेत टाइप के थे लेकिन मतलब उसमें कुछ घास ही घास होती थी, कोई खेती नहीं करता था। लेकिन अभी देखो कुछ दिन बाद ये चेंज हो जाएगा तो हमारे घर के पास में ये एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुल जाएगा। ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल बनने वाला है इस एरिया में। वो देखिए वो रेगता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, जीव जंतु मगरमच्छ की तरह जा रहा है। देखो नीचे को ये पलट के भी देख रहा है, ये दौड़ लगा दी उसने। ये तो हमारा क्रिकेट का ग्राउंड है यहाँ पे। तो वहाँ पे मॉन्स्टर लिजर्ड जा रही है नीचे को अपने शिकार की तैयार पे। तो वहाँ पे हम लोग थे, वहाँ से आ गए। येला पेड़ पहले बहुत खूबसूरत था और बहुत ज़्यादा छायादार था लेकिन अभी धीरे धीरे ये पेड़ सूख गया। ऊपर है माँ जुआकी का मंदिर, आसमान आप देखो बादल कितने प्यारे हैं। और ये गांव का कुछ रास्ता ऐसा आजकल काफ़ी खूबसूरती है। लिजर्ड वहाँ पहुँच गया, देखो जाते जाते वो इतने नीचे पहुँच गई है। तो मेरे को भी शाम को वापस आना पड़ेगा गाड़ी को, क्योंकि पार्क साइड से हो नहीं पाई है इसलिए। बहु मिलाप, ये देखो ये गेट खुल खुला रह गया, क्यों उससे खुल गया था दुकान था अंदर ही देखो पसीना, देखो हालत खराब होगी, सामान आते जाते फिजिकल मेंटल हेल्थ सही करने तक, फिजिकल हेल्थ भी खराब है, ऐसा पता चल रहा है। तो अभी ये अपना घर, ये पुराने जमाने में नए जमाने में दो उसमें बना हुआ है। ऊपर गुलाब खिला हुआ है, इधर को अलग अलग टाइप के फूल खिले हुए हैं, यहाँ वाला खिला हुआ गुलाब खिला हुआ है। अनार लगे हुए देखो कितने सारे लगे हुए अनार, और यहाँ शिमला मिर्च लगी हुई है। चलिए सब चीज़ दिखाऊंगा बाद में, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आदि ब्लॉग के साथ अगला ब्लॉग और दिलचस्प होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो फिर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तो फिर कीजिए देवी जय उत्तराखंड।